गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल पंथा 11। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया बास्केटबॉल के रिगार्डिंग। बात करेंगे आज जो मैच खेला जाएगा सत्या वाकाना वर्सेस आपको रैंस पीक के साथ, ये मैच होगा 3 PM में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, इस वीडियोस में हम एसएल और जेल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं दोनों टीम की जो स्टैंडिंग है, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो रैन पिक्स की टीम है 6 नंबर पर स्टैंडिंग है, 6 मैच में 4 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच इनका लॉस रहा। सेकंड टीम की हम बात करते हैं सत्या वाकाना की, जो सबसे लास्ट मैदान पर है, 6 मैच में 6 मैच लॉस करके आ रही है। अब गाइस बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबले में, तो यहाँ पर रैंस पिक का परफॉर्म बेहतर रहा यहाँ पे सत्या वाकाना के अगेंस्ट। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, फुली भी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर। बट गाइस वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एसएल टीम के लिए आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एसएल टीम आने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री टीम होती है। ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो हमारी टीम से, बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। या आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करते हो तो सर्च कर लेना @Panther11ABC और गाइस ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम के जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो आप यहां पे देख सकते हो गाइस जो रैन पिक्स की टीम है यहाँ पे वन साइडेड विन करके आ रही है, बेहतरीन परफॉर्म किया था इन्होंने, और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आए थे लास्ट मैच यहाँ पे डी डवाम जिन्होंने 22 मिनट्स प्ले किया था, 23.81 इनकेसिस से बेहतरीन इनका परफॉर्म रहा था। गाइस यहाँ पे ए स्कॉट की बात करें जो आपको बेंच से प्ले किए थे लास्ट मैच, इन्होंने 10.102 इनकेसिस से, और मिंसला की बात करें 18 मिनट्स प्ले किया, 8.1 इनके रिबॉन थे। फ्रैंकलिन की बात करें बेंच से प्ले करते हुए नजर आए थे, 20 मिनट प्ले किया था, 7.21 इनकेसिस से, और ई प्रणोबो की बात करें 9 मिनट्स प्ले किया था, 6 इनके पॉइंट थे। एसरिटो की बात करते हैं गाइस इन्होंने 21 मिनट्स प्ले किया था, 6.51 इनकेसिस से। गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं नुवान की, तो नुवान ने 70 मिनट्स प्ले किया था और गाइज इन्होंने नुवान का जो परफॉर्म रहा था 5.112 इन केसेस से। गाइज यहाँ पे हम कुंताड़ा की बात करते हैं, कुंताड़ा ने 15 मिनट प्ले किया था और गाइज इन्होंने 3.2 इनका रिबॉन्ड थे। सलीम की बात करते हैं 5 मिनट इन्होंने प्ले किया था और गाइज इनके 2 पॉइंटर थे। सिहाब की बात करते हैं, सिहाब 25 मिनट प्ले करके आ रहे हैं, 2.3 रिबॉन्ड 1 इन केसेस से। गाइज हम बात करते हैं उमंगन की, उमंगन ने 18 मिनट्स प्ले किया था और गाइज इनके 2.2 रिबॉन्ड और 6 असिस्ट यहाँ पे थे। जूलियन की बात करें जिन्होंने 6 मिनट प्ले करके आ रहे 1.2 इनके रिबॉन्ड थे। सेकेंड टीम की गाइस हम बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सत्या वाकाना की टीम लास्ट मैच यहाँ पे जो परफॉर्म करके आ रही है वो लॉस करके आ रही है अपने, और यहाँ पे एस जॉनसन जो आपको बिन से प्ले किए थे अच्छे खासे परफॉर्मर है, इन्होंने 24 मिनट्स प्ले किए थे और गाइस हम बात कर लेते हैं 21 पॉइंटर कनेक्ट होते, 6 रिबॉन्ड 1 इनकेसिस थे। खिलांडियो की बात करें गाइस जिन्होंने 27 मिनट्स प्ले किया था, 20.3 इनके रिबॉन्ड थे गाइस। और प्रेस्टा की बात करें जिन्होंने 27 मिनट्स प्ले किया था, 8.4 रिबॉन्ड 2 इनकेसिस थे। और बिनकोटा की बात करें 34 मिनट्स प्ले करके आ रहे थे, 7.6 रिबॉन्ड 6 असिस्ट थे। एच लकाई की बात करें 30 मिनट प्ले किया था, 6.41 5 असिस्ट यहाँ पे थे। और टी सपोर्ट्रो जिन्होंने 16 मिनट प्ले किया था, 5.3 रिबॉन्ड थे। पी वगिया की बात करें गाइस इन्होंने 3 मिनट प्ले किया था। और ब्रह्मन्ना की बात करें 5 मिनट यहाँ पे प्ले करके आ रहे हैं, 1.21 1 इनकेसिस से। एम लिंसे की बात करें 11 मिनट प्ले किया था, 1.21 1 इनकेसिस से। और बिन टैंक जिन्होंने 12 मिनट प्ले किया था, 3 इनके पॉइंटर थे। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग एसएल और जिल्स में पिक करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट का सेक्शन से आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे डी जॉनसन रहेंगे जो स्टार्ट करेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए 80 चॉइस हो सकते हैं। और कुंटारा की बात करते हैं ये आपको बेन से प्ले करेंगे। और गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं एरेमिनिश की जो आपको लास्ट मैच स्टार्ट करते ठीक ठाक इनका परफॉर्म रहा था, अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। रच मेलो की बात करें, रच मेलो लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे। गलिया ब्राह्मण की बात करें आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। शूटिंग गार्ड से गाइस हम बात कर लेते हैं AW स्कॉट लास्ट मैच बेन से प्ले किए थे, अच्छे परफॉर्मर अगर स्टार्ट करते तो गाइस अपने टीम में एज ए SP और या PP ट्राई कर सकते हो, अगर जिल प्ले करते हैं तो आप इनको ट्राई कर लेना। ए फ्रैंकलिन लास्ट मैच बेन से प्ले किए थे, अच्छे परफॉर्मर है, इनको अच्छा खासा टाइम नहीं मिला था बट गाइस अगर स्टार्ट करते फुली टाइम मिलेगा तो आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर स्टार्ट करते हैं तो गाइस अपने टीम में इनको भी आप PP या SP ट्राई करके GL प्ले कर लेना। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे वजाया की, वजाया आपको बेन से प्ले करेंगे। खिलंडियो की बात करें बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, कोई खास इनका परफॉर्म लास्ट मैच नहीं रहा था स्मॉल फॉर्ड से। गाइस बात करते हैं यहाँ पे एम बलीवा रहने वाले जो आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। यहाँ डवीरा सरीटो जो है आपको ये भी बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, कोई खास इनका भी परफॉर्म नहीं रहा था। उगुवन की बात करें गाइस ये आपको बेन से प्ले करेंगे, अगर स्टार्ट करते हैं तो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, 8.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। सिहाब आपको बेन से प्ले करेंगे और गाइस यहाँ पे सपुट्रो की बात करते हैं बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच वैसे सपुट्रो ने स्टार्ट किया था। पावर फोर्ड से गाइस बात करते हैं यहाँ पे
एच कलोनियस जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। लास्ट मैच वैसे गाइस बेंसे ये प्ले करते हुए नजर आए थे। नुवान की बात करते हैं, नुवान स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच इनका कोई खास नहीं रहा था, रिबाउंड ज़्यादा कलेक्ट नहीं किए थे और टर्न ओवर करते हुए नजर आए थे। बट गाइस ये फॉल्ट ओवर में अगर नहीं जाते तो आपको अच्छे खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तंजुआ जो आपको लास्ट मैच इनको ये भी फॉल्ट ओवर में चले गए थे, इनकी भी परफॉर्म कोई खास नहीं रही थी। एमलिन से लास्ट में स्टार्ट किया था लास्ट मैच में और इनका भी परफॉर्म लास्ट मैच में अटैकिंग प्ले नहीं किए थे। रिबाउंड ज़्यादा ये कलेक्ट करते बट लास्ट मैच ये कलेक्ट करते हुए नजर नहीं आते। नरेंद्र की बात करें, ये लास्ट मैच स्टार्ट किए थे बट इनकी भी परफॉर्म कोई खास नहीं रहती। सेंटर से गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेडेसिया रहने वाले जो ये आपको बेंच से प्ले किए थे, आडी प्रेस्टिया। तो अगर आज के मैच में गाइस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। और डी डवन की बात करते हैं, लास्ट मैच स्टार्ट किए थे, अटैकिंग प्ले करते हुए नजर आए थे, अपनी टीम में गाइस इनको ट्राई करके जा सकते हो। इसलिए आपको ये आपको बेंच से प्ले करेंगे। और खोनोटो की बात करें, ये भी आपको आज के मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, तो अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो। मिंसला की बात करते हैं, बेंच से प्ले करेंगे, मिंसला भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं अपनी टीम में। गाइस बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइस उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है फाइनल एसएल टीम, या टेलीग्राम में जाते हो तो सर्च कर लेना @panther11vc और गाइस ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। गाइस सेट टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, तो सेट टीम में गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जे कुंटाड़ा को लिया हुआ है और सी एनिमी को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया हुआ जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज की बात करते हैं, जॉनसन की ये आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस कर सकते हो। ए फ्रैंकलिन आप ओबेंसिव प्ले लास्ट मैच किए थे, आज के मैच में अगर गाइज स्टार्ट करते तो अपनी टीम में मस्ट पिक करना है। ए स्कॉट की बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे एज ए पीपी कैप्टनसी ट्राई कर लेना। गाइज यहाँ पे दीवारा सेटीरो की बात करते हैं, ये भी आपको स्मॉल फॉर से प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेवेटी नुवान की बात करते हैं, पावर फॉर से प्ले करेंगे। और गाइज यहाँ पे जो रहने वाले कनोहो एम कनोहो को आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर लेना, जो आपको सेंटर से प्ले करेंगे। वैसे गाइज ये हमारी सेट टीम यानी वीडियो टीम है, आप सेट करके रखना। फाइनल टीम के लिए मैंने लिंक दे दी है, जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन थी या आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन पिन के, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो हमारी टीम से, बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।